वेलकम टू माय चैनल। तो आज जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर से मिलने के लिए, आज अपॉइंटमेंट थी तो वो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट वगैरह लेकर के मिलने के लिए जाना है। तो उसके लिए सुबह सुबह निकल के हम लोग ना सुबह का ले लेते हैं अपॉइंटमेंट, ताकि ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद आगे कुछ और अगर आपका काम है तो हो सकता है। अगर दोपहर या शाम का लिया ना तो पूरे दिन दिमाग में चलता रहता है कि अरे डॉक्टर से मिलने जाना, आप कोई और काम नहीं कर पाओगे। तो सुबह सुबह अपना फ्री होके आ जाते हैं और इसी बहाने नाश्ता भी करने को मिल जाता है, इडली वड़ा हमारा फेवरेट, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो चलिए डॉक्टर से मिलते हैं, देखते हैं क्या सब बोलती है। और आज ना एक चीज हमें बुक करना है, हमें ना लम्बा सेशन बुक करना। एक्चुअली हमें बोला गया था कि आप करवा लेना 38 वीक के बाद, कभी भी आप आके ले सकते हो वो सेशन, और वो सेशन हमारे पैकेज में है। तो बेसिकली क्लाउड नाइन में ना सिस्टम ऐसा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ना एक 8000 का पैकेज था ना, अगर 8000 का एक पैकेज आपको लेना है। उस पैकेज में क्या होगा ना, आपको जैसे एक दो स्कैन उसमें फ्री है, फिर एक स्कैन में आपको हाफ पेमेंट करनी है, एक दो सेशन ऐसे फ्री है जैसे कि डाइटिशियन का, लम्बा सेशन का, ये सब आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है। पर हो गया, वो सारा बेनिफिट भी हमारा लेना हो गया, क्योंकि एंटी स्कैन जो था वो फ्री आ गया और एनएमएलई स्कैन में आपको 50% ऑफ मिल जाता है। उसके अलावा कुछ कूपन्स देते हैं ये लोग, जिससे कि आप कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। लेकिन उसमें क्या चाहिए है, जो हमने देखा ना कि जो ब्लड टेस्ट है ना उसका दाम बहुत ज्यादा है, मतलब अगर मार्केट रेट से कंपेयर करें तो। हमने वहां पे बहुत ही कम करवाया, इसलिए बाहर से करवाया, पर वो कूपन आप यूज कर सकते हो कोई स्कैन के लिए भी। तो ऐसे करके बेसिकली वो 8000 का एक पैकेज है। मुझे कमेंट्स भी आए थे कि कुछ पैकेज है तो बताइएगा, तो यही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उससे ज्यादा कुछ भी बेनिफिट नहीं है, पर ठीक ठाक है, वो हमने अवेल कर लिया। तो उसके लिए ही लम्बा सेशन है, तो वो ले लेंगे एक। आज जाकर के ना हम लोग ऐसे ही बस इंक्वायरी करना चाह रहे हैं कि बेड बुकिंग कब करनी होती है, एडवांस में होगी ऑफ कोर्स, तो उसका क्या सिस्टम है, प्राइवेट रूम अगर बुक करना है तो कैसे होगा, इंश्योरेंस कैसे क्लेम होगा, तो ये सब कुछ कुछ चीजें जो सोच रहे हैं अभी। डोंट वरी, बहुत टाइम है, ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग ऐसे पता कर ले रहे हैं कि पहले से एक आइडिया लग जाए, आज फ्री है तो बात कर लेंगे। तो वो सब मेनली डॉक्टर को तो 10 मिनट का काम है, उसके बाद हमें वहां पे मैनेजमेंट से मिलकर ये सब थोड़ी थोड़ी बातें करनी है। और रूम्स अगर दिखा सकते होते वो लोग तो और अच्छा होता, पता नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहता है ना यहाँ पे। पर अगर एक रूम देख पाते कैसा, क्या क्या डिफरेंस है स्वीट में और प्राइवेट रूम में, क्या डिफरेंस है वो भी देखना। हाँ, ट्राई करेंगे पूछने का। वैसे तो प्राइवेट रूम आई थिंक काफी रहेगा, स्वीट का जरूरत है नहीं, पर फिर भी देख लेंगे एक बार कैसा क्या रहता है। पार्किंग की जगह ही नहीं है, तो गार्ड बोल रहा है आज एक साथ 20 लोग एडमिट हो गए हैं डिलीवरी के लिए, उसकी वजह से सारा पार्किंग फुल हो गया है। 20 लोग आज सुबह सुबह आ गए हैं, बाप रे। चलिए वैक्सीन ले लेते हैं, टीडैप वैक्सीन लेना है, वो लेना है, फिर उसके बाद निकलना है। इसके ऊपर वाले रूम में आओ और वैक्सीन ना मिले कैसे हो सकता है। तो मेरा टीटी हो गया 2 डोज, उसके बाद एक हो गया इन्फ्लुएंजा, और अब एक मिल रहा है टीडैप। बहुत सारे डॉक्टर्स ना अगर टीटी का एक डोज देते हैं फिर दूसरा डोज टीटी का ना देके टीडैप देते हैं, पर यहाँ पे मुझे नहीं, वो ऐसे बोल सकते हैं टीडैप है। देखो, टेटनस, डायफ्थीरिया और ये पर्ट्यूसिस, टीडैप। तो ये वाला डिस्कशन रूम है, यहाँ बैठ के आप डिस्कशन कर सकते हैं कि और रूम के बारे में। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब रूम बुक करना रहता है यार, क्या पता बोले कि आप पहले नहीं बताए, कुछ नहीं बताया। सोचो यार, आज ही सुबह 20 लेडी एक साथ एडमिट हो गई, तो क्या 20 रूम और प्लस जो पहले एडमिट होंगे उतना रूम्स होगा? सारे प्राइवेट शायद ना हो, तो फिर एडजस्ट कर देते हैं क्या आगे पीछे कर देते हैं। ओ, तो ऐसा होता है ना, क्योंकि होटल थोड़ी है कि आइए कितने भी रूम्स हैं, और जो आएगा वो 2-3 दिन तो रुकता ही है मिनिमम, 2 दिन तो रुकना ही है। बाबा रे, बहुत मारामारी होता होगा। नहीं तो देखते हैं, बात करते हैं क्या होता है। बाकी सारा काम हमारा हो गया, वैक्सीन वगैरह हो गया, लेट्स सी। मैं ना इस हॉस्पिटल में पहले रुकी हुई हूँ, पर मैं ना फुल डे के लिए रुकी हूँ, मतलब आउट पेशेंट टाइप से स्टे नहीं किया। जब मैंने करवाया था ना HSG, जो मैंने कॉन्सेप्शन स्टोरी में बताया है, तो HSG मैंने यहीं से कराया था, तो उसमें भी मैंने अंडर एनेस्थीसिया करवाया था। तो उसके बाद आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, तो वो टेस्ट हुआ, उसके बाद मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, तो भी मुझे एक रूम में लोगों ने शिफ्ट किया था, मतलब फुल डे लग गया था हम लोग, इसलिए मुझे आइडिया है कि कैसा कैसा रूम रहता है यहाँ पे।
पर अभी डिलीवरी का जो होता है वो तो अलग होता है ना, आपको रुकना पड़ता है। देखिए आज इतना भीड़ था यहाँ पे, पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं थी। तो क्लाउड नाइन में एक फैसिलिटी अच्छी है कि अगर आपको वहाँ पे पार्किंग ना मिले ना हॉस्पिटल के पास, तो इनका एक ग्राउंड है थोड़ा सा आगे, वहाँ पे ये लोग आपकी गाड़ी पार्क कर देते हैं और आपको हॉस्पिटल से वहाँ तक जाने के लिए ये लोग एक कैब देते हैं, कैब में बिठा करके वहाँ छोड़ देंगे, फिर आप अपनी गाड़ी लेके चले जाओ। तो आज इतना रश था कि देखिए यहाँ पे गाड़ी पार्क हुई है और ये जो हॉस्पिटल है ना ये एकदम मेन रोड पे ही है, तो बिजी बिजी एरिया में ही है। चलिए निकल गए हॉस्पिटल से और रूम्स का जो बात करना था वो कर लिया। मैं आपको घर पे बताती हूँ, उन्होंने पूरा पैकेज हमें बता दिया है कि कितना कितना लगेगा। हम लोग सोच रहे थे कि एक बार रूम्स भी चेक कर लेते, पर मैंने कहा ना आज 20 लोग एडमिट हो गए तो बहुत ज्यादा रश हो गया हॉस्पिटल में। कभी देखना होगा तो देख लेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या होता है ना, आपको जो रूम मिलता है जो असाइंड रहता है वो प्राइवेट डीलक्स रूम है ना, लग्जरी प्राइवेट रूम अंगद के मतलब वो डिपेंड करता है आपका इंश्योरेंस कितने का है कहाँ से। तो हमारे में लग्जरी प्रीमियम रूम जो है वो मिलेगा, लेकिन स्वीट अपग्रेड अगर आपको करवाना है तो आपको ऑफकोर्स उतना ऊपर का देना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्वीट ही लेना है, क्या डिफरेंस होता होगा, कुछ भी नहीं होता होगा, पर देखने में क्या जाता है। मान लीजिए कुछ डिफरेंस हो तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। एक सोफा, एक रूम, एक छोटा सा एक सोफा और डाइनिंग टेबल दे देते हैं, बस उतना ही ना, उस पे ही ज्यादा मिल जाता है हमको। कौन सा यहाँ हमको दो दिन, भगवान करे कि दो दिन रुकना ही है उसमें, दो लोगों को रुकना है तो क्या ही होने वाला है। ना उतना लगेज लेके आए हो कि ना, मेरे को तो बेड रहेगा ही, अंगद को एक कुछ रहेगा अपना सोफा बेड, सोएगा भाई। एक्स्ट्रा बेड का भी वो लोग चार्जेबल है, बट यू कैन दैट मीन्स दे हैव स्पेस, यू कैन कीप इट ना लाइक। अच्छा अच्छा, तो वो भी अच्छी बात है। तो सब कुछ समझाया है, मैं घर पे आपको बताती हूँ कि क्या क्या पैकेज रहता है, क्लाउड नाइन में कैसा रहता है। और जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में कि हमने 8000 का एक पहले लिया था पैकेज, वो पैकेज बड़ा काम आया हमको, अभी कैसे काम आया, क्यों काम आया और वो लेना ही चाहिए वो भी बताऊंगी। पर चलिए पहले घर चलते, कुछ दवाइयाँ लेनी है वो लेके निकलते हैं। घर जा ही रहे थे कि अंगद जी ने प्लान थोड़ा चेंज कर दिया है। अंगद का मन, अरे मैंने रेडियो ऑन कर दी, मुझे एसी ऑफ करना था। अंगद कह रहा है चलो फर्स्ट क्राई चलते हैं, नसरजापुरा पे एक बहुत बड़ा फर्स्ट क्राई है, वहां पे जाके उसको कुछ कुछ स्ट्रॉलर्स देखना है, क्योंकि हमने स्ट्रॉलर्स अभी ऑर्डर कर दिया है, पर फिर भी एक बार जाके ना फिजिकली भी देख लेते हैं वही वाला ब्रांड का कैसा है नहीं है। तो उसके लिए कह रहा है, पर मुझे लग गई भूख, सोचिए मैंने सुबह खाया है इडली वड़ा, तो मैंने कहा चलो मुझे जूस वूस कुछ पिला दो उसके बाद चलो, क्योंकि मुझे पता है अभी जाएगा ना क्लाउड नाइन, तो वहां पे क्लाउड नाइन बोल रही हूँ, इसको डालना अंगद इसको अंदर में, तो बहुत टाइम लेगा वहां देखेगा स्ट्रॉलर, इसको इसको इसमें। तो मैं भाई कुछ खा पी लेती हूँ, फ्री है वैसे कुछ काम तो है नहीं, तो जाते हैं गेड़ी मारेंगे, हमको भी मन लगता है बेबी का सामान सब देखने में, फिर लेना तो अपने को ऑनलाइन ही है तो अपना चेक हो जाएगा। मेनली स्ट्रॉलर्स, उस दिन जो हमने देखा था ना स्ट्रॉलर्स भी देखा था तो मजा नहीं आ रहा था, नहीं मतलब थे, हाँ वो ठीक नहीं लग रहा था। पर ये जो बोल रहा है अंगद की बहुत बड़ा वाला शोरूम है तो शायद बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, तो एक आइडिया हमको लग जाएगा। स्टडी नहीं थे वो जो वाले जो देखे थे, हिल रहा था पूरा, पूरा एकदम ऐसे ऐसे एकदम लूज लूज हिल रहा था, तो अच्छा क्वालिटी डेमो पीस था इसीलिए शायद हमको नहीं पता, और ब्रांड भी पता नहीं कौन सा था, नाम भी नहीं सुना था। चलिए देखते हैं जाएंगे, पर पहले जूस पीते हैं फिर चलते हैं, वीकेंड बाहर निकलते हैं ना तो कुछ कुछ काम निपटा लेने में भलाई है। Thank you.
थोड़ा बहुत फिर से हमने वहाँ पे देख लिया चीजें क्या क्या ऑप्शंस में, दो तीन ही ब्रांड्स होते हैं एक्चुअली, ज्यादा ऑप्शंस होता नहीं है, तो उसमें ही जो थोड़ा बहुत देखना था देख लिया हम लोगों ने। अब तो जो है ऑनलाइन ही करेंगे, बार बार जाके दुकान में देखने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग के पास जो सैंपल पीस होते हैं ना उसका भी कंडीशन इतना खराब था ना, एक हमने एक चीज देखी जो जलती थी बैटरी से, वो बोल रही है उसमें बैटरी नहीं है, रिचार्ज नहीं है। दूसरा जो एक देखा स्ट्रॉलर, वो उसका जो था हैंडल टूटा हुआ था डेमो पीस का, तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो मतलब कुछ आइडिया आता ही नहीं, जो स्टोर का जो एक्सपीरियंस होता है आप जाते हो देखने के लिए कि चीजें कैसी हैं ऑनलाइन लेने से पहले, वो एक्सपीरियंस ही नहीं अच्छा आ रहा है। तो बेकार का कोई फायदा है नहीं, इसे जब मंगवा लीजिए ऑनलाइन, ना जमे ना अच्छा लगे तो एक्सचेंज या रिटर्न कर लीजिए, वही बेस्ट है। तो हो गया, चलिए अब अंगत गया लेने के लिए दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ वगैरह ऐड की गई हैं वो लेंगे और घर जाएंगे। और 12:30 बज गया है, भूख लगी नहीं है, तो बाहर कुछ खा नहीं रहे, घर जाते ही भूख लग जाएगी पता है मुझे, फिर खाना बनाना पड़ेगा। सोच रही हूँ खिचड़ी बना लूँ, क्योंकि कुक को दे दी थी मैंने छुट्टी, सुबह से मैं निकली हुई हूँ, तो घर जाके खाना वाना बनाना है, पर फिर थोड़ा आराम करेंगे, मतलब सुबह की निकली हुई हूँ ना। The next day. संडे और नाश्ता वगैरह करके देखिए सुबह सुबह ही तैयार होके मैंने फोटो सेशन करवा लिया है, वो जो मैं करवाती हूँ ना हर 4 वीक के बाद में, तो सोचा कर लेते हैं इससे पहले कि थक जाए, एनर्जी लो हो जाए, क्योंकि खाना वाना बनाना है सब करना और भी बहुत सारे एक्चुअली आज काम है घर के, तो थक जाने से अच्छा है कि करवा के फ्री हो जाते हैं। तो वो हो गया और अंगद गया है बाल कटवाने के लिए, तो वो अपना काम करेगा, तब तक मुझे खाना वाना बनाना है। सिंपल सा सोचा है आज, एकदम से सिंपल चावल दाल और आलू का, नहीं होता है वो क्या बोलते हैं चोखा सन्ना, वैसा कुछ बनाएंगे सिंपल सा घी डाल करके, मौसम भी अच्छा है तो वो खाएंगे। और चलिए इसको चेंज करते हैं। और हाँ, मुझे आपको बताना है ना कि मैंने जो पता किया डिलीवरी चार्जेस, रूम चार्जेस, वो सब, तो वो सब भी डिस्कस करते हैं। चलिए, आज सुबह मैंने इडली ना घर पे ही मंगवा ली, मतलब मेरी आंख खुली है बेड पे और मैं सोच रही थी कि नाश्ता में क्या खाऊं, वीकेंड है, पराठे बनाऊं कि क्या करूं, तो एक काम करती हूँ इडली मंगवा लेती हूँ, इडली खा लेते हैं। तो मैंने वही बेड पे आंख खुलते ही सबसे पहले ऑर्डर किया, ताकि जब तक हम लोग फ्रेश वगैरह हुए नाश्ता आ भी गया और खा लिया। आज का वैसे प्लान था ना मेरा बनाने का मटन, मैंने सोच रखा था मटन खाएंगे, बहुत दिन हो गया, लेकिन दिक्कत क्या हो गई है कि कल मुझे वैक्सीन पड़ी ना, तो मेरा हाथ हो गया है जाम, बहुत ज्यादा भारी हो गया है, तो मुझे लगा कि कुकर से फिर चलाने में ना बड़ी दिक्कत होगी, तो जाने देते हैं। और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन आए कि अभी सावन स्टार्ट हो गया है सोना, तो क्या आप लोग नॉनवेज खाते हो सावन में? जी हम लोग बिल्कुल खाते, मेरे घर पे भी कभी भी ये फॉलो नहीं हुआ है कि सावन में नहीं खाते, ना मेरे घर में, ना नानी घर में, ना दादी घर में, ऐसा हम लोग फॉलो नहीं करते, हम लोग तो खाते ही हैं, सिर्फ जो सावन का सोमवार होता है ना उस दिन नहीं खाते हैं, बाकी हर दिन खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका देखिए कस्टम अलग अलग होता है, सबके घर में अलग अलग चीजें फॉलो होती है, तो हमारा तो भाई ऐसा ही है। एनीवेज पर वो नहीं खा रहे हैं, तो सिंपल सा खाना खाएंगे। तो जो प्राइसिंग इन्होंने मेंशन करी है ना, उसमें ऑफकोर्स दो चीजें होती हैं, या तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो, या फिर सी सेक्शन हो रहा है आपका। तो बहुत लोग सोचते हैं ना कि दोनों का प्राइस डिफरेंस होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल आजकल सी सेक्शन ज्यादा करते हैं ताकि मोटा पैसा लूट सके, नॉर्मल जो है सस्ता होता है। पर देखिए यहाँ पे तो मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही हूँ, बाकी हॉस्पिटल्स का मुझे नहीं पता या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आपका हो रहा है तो भी इंश्योरेंस वाले पार्ट से आपको देना है 1,20,000, और आपके जेब से जो एक्सक्लूशंस है आपको देना है 35,000 से 40,000। तो चलिए 40,000 मान के चलते हैं, तो मतलब 1,60,000 में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है तो कितना लगेगा? सी सेक्शन हो रहा है तो भी आपको इंश्योरेंस वाले पार्ट से 1,20,000 देना है, और खुद के जेब से जो एक्सक्लूशंस है वो 35,000 से 40,000, मतलब अगेन 40,000 पकड़ के चलते हैं, तो 1,60,000 देना है। तो मतलब नॉर्मल डिलीवरी में भी 1,60,000 चार्जेस है, सी सेक्शन डिलीवरी में भी 1,60,000 चार्जेस है। तो यहां तो देखिए कोई भी डिफरेंस इनमें दोनों में मुझे नहीं दिख रहा है, काश होता डिफरेंस तो क्या होता, जो लोग इतना पेन से है कि नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो एक लगता है ना अंदर से चलो हमने इतना सहा तो हमें कुछ बेनिफिट और भी मिल गया,
पर कोई बेनिफिट नहीं है, सेम प्राइसिंग है, तो वो तो मसला नहीं है कि जान के डॉक्टर कर रहे जो भी। खैर तो हो गया। तो जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है, मान के चलिए अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है वो पकड़ के चलते हैं, तो इंश्योरेंस वाला 1,20,000 तक देगा जो कैशलेस आप करवा सकते हो, पर आपकी जेब से 35,000 से 40,000 पड़ेगा। तो ये जो पैकेज बोल रहा है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, तो पैकेज में देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि लग्जरी रूम चार्जेस फॉर 3 days and 2 nights, तो इतना रहेगा। इधर यू गो फॉर सी सेक्शन और यू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, दोनों के केस में आपको 3 दिन 2 रात के लिए लग्जरी रूम मिल रहा है, वो हमारे पैकेज में है, वो इसमें मिल रहा है, इंक्लूडेड है। लेबर रूम चार्जेस, ओटी चार्जेस, रिकवरी रूम चार्जेस आर इंक्लूडेड, नर्सिंग केयर चार्जेस फॉर वार्ड, ओटी, लेबर रूम इंक्लूडेड, ऑब्स्ट्रिक कंसल्टेंट डॉक्टर फीस भी है, ऑब्स्ट्रिक असिस्टेंट डॉक्टर सपोर्ट है, उसके बाद एनेस्थेटिस्ट फीस फॉर सी सेक्शन आर इंक्लूडेड एंड एपिड्यूरल फॉर नॉर्मल डिलीवरी, वो भी इसी में आ जा रहा है, लैब एंड रेडियोलॉजीज आर इंक्लूडेड अप टू द इंश्योरेंस लिमिट, उसके बाद नॉन स्ट्रेस टेस्ट आर इंक्लूडेड, पोस्ट एडमिशन जो आपका एनएसटी होगा वो भी इस पैकेज के अंदर आ जाएगा, और लैक्टेशन स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स आर इंक्लूडेड, तो ये भी आ जाएगा। उसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दे रहे हैं, न्यूबॉर्न किट दे रहे हैं, पता नहीं उस किट में कुछ तो देंगे ये लोग। उसके बाद बीबीएमपी बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा और न्यूबॉर्न का एक पिक्चर भी रहेगा। तो ये जो चीजें है ना, ये सारी पैकेज में आ गई, मतलब इंश्योरेंस जो आपको 1,20,000 देगा इधर नॉर्मल और सी सेक्शन, उसमें इतना कुछ आता है, पर जो अब आपको आपके जेब से देना है 35,000 से 40,000 जो एक्सक्लूशंस में आ रहा है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है वो बता रहा है। तो उस 35,000 से 40,000 में आपको न्यूबॉर्न का कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट अगर होता है तो वो आपके जेब से जाएगा। अगर आपका कोई भी नॉन मेडिकल एंड कंज्यूमेबल्स आता है मदर के लिए, बेबी के लिए, वो आपके जेब से जाएगा। पेशेंट का फूड आपके जेब से जाएगा, मतलब वो उस 35,000 से 40,000 में आएगा। हियरिंग टेस्ट होगा बेबी के लिए, वो भी उसी में आएगा। इम्यूनाइजेशन फॉर बेबी, वो भी उसी 35,000 से 40,000 में आएगा, और न्यूबॉर्न का मेडिसिन भी उस 35,000 से 40,000 में आएगा। तो इतना चीज के लिए ये लोग मान के चल रहे हैं जो एक्सक्लूशन है कि आपका 35,000 से 40,000 का बिल आएगा। अब मान लीजिए कि किसी के ट्विंस हैं अगर, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको 10,000 एडिशनल पे करना पड़ेगा, वो सीधा हिसाब है। उसके बाद इन केस अगर आप एक्सटेंड करते हो अपना स्टे हॉस्पिटल में, मतलब कि 2 nights 3 days से ज्यादा रुकते हो, तो पर डे आपको 8,500 रुपीज उस रूम का देना पड़ेगा, लग्जरी रूम का। उसके अलावा क्या क्या है जो हो सकता है आपको एडिशनल और लगे, मान लीजिए किसी के बच्चे NICU में है तो ऑफकोर्स उसका चार्जेस जो है वो इस ना 35,000 से 40,000 में मेंशन है ना उस 1,20,000 में मेंशन, तो वो एकदम अलग हो गया। उसके बाद फोटोथेरेपी होती है अगर, मान लीजिए जॉन्डिस वॉन्डिस का, वो भी अलग से है। ब्लड प्रिजर्वेशन चार्जेस भी अलग है, जितना दिन आप रुकोगे उतना फूड फॉर पेशेंट एंड अटेंडर अलग से है ऑफकोर्स। उसके बाद कोई भी रेफरल डॉक्टर का फी होता है बियॉन्ड दैट 3 days, वो भी अलग से देना है। और एनी एडिशनल प्रोसीजर्स डन, ऐसे लिख दिया है कि कोई भी और होता है प्रोसीजर, जो कि ऑफकोर्स नहीं पता है कि क्या क्या हो सकता है, वो भी आपको अलग से देना है, मतलब वो डिस्चार्ज के टाइम पे ही आपको बताएंगे। पर अभी अगर नॉर्मल सिनेरियो मान के चला जाए तो ये कह रहे हैं कि आपको 1,60,000 तक लगता है नॉर्मल और या तो सी सेक्शन, दोनों के केस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी ये तो क्लाउड नाइन बेलंदूर वाले ब्रांच का है, बाकी हो सकता है आपके हॉस्पिटल का अलग हो, बताइएगा कमेंट करके कि क्या यही चार्जेस है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद नॉर्मल वाले में कम लगता होगा, उसका पैकेज कॉस्ट कम होगा और सी सेक्शन का ज्यादा होगा ऑफकोर्स, क्योंकि ओटी चार्जेस आ गए, बहुत कुछ आ गया, बट दैट्स नॉट द केस, सेम है। तो ठीक है, पहले तो इंश्योरेंस से मेनली 1,20,000 तो आपका निकल ही जाएगा, 35,000 से 40,000 या उसके ऊपर का जो थोड़ा बहुत होगा, मान लीजिए 50,000 मान के चलिए, वो आपको आपकी जेब से देना है। उसके बाद एक जो मैंने आपको बोला था ना कि वो 8,000 रुपीज का जो हमने पहले पैकेज लिया था उसका एक फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया, कल हमने बोला उस बंदी को कि हमें बेड कब बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता ना कब क्या डिलीवरी कब होगी, वैसे तो बहुत टाइम है देखिए अभी, लेकिन फिर भी एक बात करके हमने रखा। तो उन्होंने बोला आपने जब वो 8,000 वाला पैकेज लिया था ना उसी दिन आपके लिए बेड बुक हो जाता है, मतलब आपका जो ड्यू डेट है वो हमने सिस्टम में डाल के रखा है कि इस पेशेंट का इसके आसपास में हो सकता है, तो वो पैकेज लेते ही ऑटोमेटिकली आपके लिए बेड बुकिंग हो जाती है। तो ये मुझे फायदा लगा कि उस 8,000 के पैकेज का अदर एडवांटेज तो हमने लिया ही, हमारे बेड भी बुकिंग होगी। अगर हमने वो उस टाइम पे नहीं लिया होता है पैकेज और अभी हम बेड बुकिंग कराने जाते हैं तो शायद अभी वो एंटर करते या शायद वो बोलते नहीं अभी नहीं होगा, फिर तो आप जब आओगे तब हम ऑन द स्पॉट देखेंगे, अगर आपको प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा तो शायद हम शेयरिंग में डाल देंगे वैसा। पर इस केस में उसने बोला कि हमने पहले से ही आपको रखा है नाम वहां पे, आपको मिल जाएगा प्राइवेट रूम, तो ये फायदा हो गया। और अदरवाइज 8,000 का फायदा तो मैंने आपको बताया ही था कि कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है स्कैन्स में, कुछ आपको ब्लड टेस्ट में डिस्काउंट मिल जाता है, 1-2 स्कैन्स फ्री हो जाते हैं, तो ओवरऑल वो मुझे ठीक ठाक लगा।
और उसके अलावा वो कह रही है कि वो जो 8,000 आपने पे किया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो आपके ओवरऑल बिल से भी हम माइनस कर देंगे जब आप फाइनल डिस्चार्ज हो गए तो वो देखना है हमको, बात करना है। वो बोल तो रही है अब करती है नहीं करती है, वो तो तभी पता चलेगा। तो वो भी एक फायदा है, तो वो 8,000 माइनस भी हो जाएगा, उसके बेनिफिट्स भी हमने ले लिए और हमारा रूम बुकिंग भी उसकी वजह से सही टाइम पे पहले से ही हो गया है, तो ओवरऑल ठीक ठाक है। बाकी अभी बहुत टाइम है, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हर चीज ना पहले से ही पता करके, क्योंकि क्योस नहीं करना है, हर चीज का आइडिया ले ले, चाहे घर में कुछ चेंजेस है वो पहले कर ले, ये सब भी पहले पता कर ले, क्योंकि हम दोनों को मैनेज करना है और हम दोनों थोड़े सॉर्टेड टाइप के हैं लोग, हमें वो लास्ट मोमेंट में भागा दौड़ी नहीं अच्छी लगती है। तो सब कुछ पहले से क्लियर हमारे हेड में रहेगा, हमारा एक प्लान प्रॉपर रहेगा ना, तो हो सकता है सब कुछ एकदम ही आराम से हो जाए। बाकी तो देखा जाएगा उस टाइम पे क्या होता नहीं होता, पर अपनी तरफ से हम फुल प्रिपेयर हैं कि ठीक है सब कुछ पता कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दवाई बढ़ गई है, मतलब घटती नहीं है बढ़ जाती है। मुझे 11 बजे सुबह दवाई उन्होंने एक ऐड कर दी है खाने के लिए, कुछ तो फोलेट करके कुछ है। तो अब सुबह नाश्ता करके एक दवाई लेनी है कैल्शियम, फिर 11 बजे एक दवाई लेनी है, फिर लंच करके लेनी है, फिर लंच करके 1 घंटे बाद लेनी है, फिर उसके और 1.5 घंटे के बाद एक लेनी है, और रात को भी अब 2 कर दिया गया है मुझे। रात को भी पहले 1 था प्रोजेस्टेरोन, अब 2 कर दिया गया है। तो दवाइयां मेरी सप्लीमेंट्स वगैरह बढ़ा दी गई, और 2 बार प्रोटीन भी पीना है। पूरा दिन जाता है मेरा याद करने में, अब कौन सी दवाई, पर खाना भी जरूरी है ना, क्या कर सकते हैं। एनीवेज खैर चलिए, इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय।